नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा और पेश है स्पेशल रिपोर्ट। गांव बंद का मिला जुला असर, कल से स्थिति और बिगड़ने की आशंका। पहली बार किसानों ने खुद तय किए सब्जी दूध के भाव। जिले में किसानों के गांव बंद आंदोलन का आज मिला जुला असर रहा। श्री गंगानगर में फल सब्जी मंडी में आज रोज की तरह सब्जियों की बोली हुई। सूरतगढ़ रोड पर किसानों ने काफी संख्या में सब्जियों से भरी गाड़ियों को रोक लिया और सब्जियां वहीं उतार ली। इसमें से कुछ एक सब्जियों को गुरुद्वारा सिंह सभा में भेजा गया। साथ ही बाईपास पर किसानों ने दूध और सब्जी की स्टॉल लगाई है। दूसरी ओर सूरतगढ़ क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों ने गांव बंद आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। यहां फल सब्जी मंडी में सामान्य दिनों से भी ज्यादा सब्जियां आई। शहर में आज अधिकांश स्थानों पर दूध की सप्लाई नहीं हुई, इस कारण लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों का गांव बंद आंदोलन 1 से 10 जून तक जारी रहेगा। इस आंदोलन को देखते हुए लोगों ने 2 दिन का तो सब्जी और दूध का स्टॉक घरों में कर लिया था। यदि किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहा तो 2 दिन बाद स्थिति और बिगड़ने लगेगी। बाईपास चौराहों पर किसान संगठनों द्वारा लगाए गए सब्जी की स्टॉल से काफी संख्या में लोगों ने सब्जियां खरीदी। यहां से ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां बेचने वाले लोगों ने आकर सुबह से ही सब्जियां खरीदना शुरू कर दिया था। हालांकि काफी सब्जियां किसानों की स्टॉलों पर भी बच गई। किसानों का कहना है कि वे 10 दिन तक यहां सब्जी की स्टॉल खुली रखेंगे। किसान संघर्ष समिति के नेता अमर सिंह बिश्नोई ने बताया कि आज रात को ही नाके पर किसान बैठेंगे ताकि कोई भी पंजाब से श्री गंगानगर शहर में सब्जी से भरी गाड़ियां प्रवेश न कर पाएं। किसान आंदोलन के तहत आज पहले दिन जहां एक तरफ शहरवासी चिंतित नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में आने वाले हर नागरिक को निःशुल्क दूध व सब्जियां दी गयी। शुक्रवार को किसान आंदोलन शुरू होते ही दूध सप्लाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संघ के प्रधान सुभाष स्वामी के नेतृत्व में नाका लगाया और सरस डेयरी की गाड़ी रोकी। स्वामी ने बताया कि दूध सप्लाई मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी शहर के समस्त नाकों पर किसानों के साथ नाका लगाएंगे और जिले में दूध सप्लाई ठप करेंगे। श्री करणपुर के गांव 17 ओ के निकट आज सुबह बाबा को चक्कर आने पर वह कार सहित नहर में जा गिरे। गनीमत रही कि उनके चोटें नहीं आई। ट्रैक्टर की मदद से कार को नहर से बाहर निकाल लिया गया। एएसआई भूप सिंह ने बताया कि थाना के पास ही बाबा जी रहते हैं। आज सुबह वे अंडर ब्रिज से लिंक रोड पर जा रहे थे, इसी दौरान चक्कर आने के कारण कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। आसपास के लोगों ने कार चालक बाबा जी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में चालक को चोटें नहीं आई है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाल लिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।